नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों दिनांक 14 मई 2023 से आपके जीवन का एक अद्भुत भेद खुलेगा। वीडियो बहुत खास होने वाली है मित्रों, क्योंकि यह भेद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आइए सबसे पहले अगर नजर डाले पंचांग पर, तो 14 मई को रविवार का वार है, साथ में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और मित्रों शतभिषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त जो योग बन रहा है वह योग है वृद्धि नामक योग। इस योग में आप कोई भी काम करेंगे तो आपके कार्य में वृद्धि होगी। वहीं अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो मेष राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों वह कुंभ राशि में संचार करेगा। तो अब ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र भी लेकर आए हैं, इसलिए अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। मित्रों यदि तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिन्हें अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, अगर उन्हीं से ही मित्रों आपका सम्मान ना हो और वही लोग आपका अपमान करें तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। तो आइए मित्रों अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। इस समय की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आप देखेंगे मित्रों कि जीवन में जो चीजें आपको लंबे समय से दुख दे रही थी वही चीजें धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएगी। और हाँ मित्रों यह भी बात ध्यान में रखें कि जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे उसमें सफलता मिलने की उम्मीद पूरी है, काम करते रहें क्योंकि मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉपर्टी या पॉलिसी में निवेश करना इस वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सरकारी मामलों में आपको जोखिम नहीं लेना है। यह बात ध्यान रखिएगा मित्रों कि यदि आपने सरकारी मामलों में जोखिम लिया तो दिक्कतें बढ़ सकती है। अपने काम और योजनाएं किसी से भी शेयर ना करें। जो काम आपको नहीं आते हैं उन्हें भूल जाएं मित्रों, और जिन कामों में आपको फायदा होता है, जो काम अच्छे से आप कर लेते हैं, सबसे पहले उन कामों को निपटा लें। थोड़ी सी रुकावटें होगी मित्रों, जीवन में रुकावटें आपको बहुत कुछ सिखाएगी, कब कहाँ कैसे इन रुकावटों से निकलना है यह आप समय के साथ सीखेंगे। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि खुद पर तनाव बिल्कुल भी हावी ना होने दे, खुद को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें और बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें मित्रों, क्योंकि जल्दबाजी में यदि आपने कुछ भी काम हाथ में लिया तो फिर वह हाथ
गंदे हो सकते हैं और काम भी बिगड़ सकता है। मशीनरी और कारखानों से जुड़े बिजनेस में अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावना है। और मित्रों बता देते हैं कि हमारे नौकरी पेशा जातकों को ऑफिशियल कामों से ओवर टाइम करना पड़ेगा। करीबी दोस्त के साथ फैमिली गेट टुगेदर होगा, लव रिलेशन और मजबूत होगा। मित्रों कब्ज और गैस्ट्रिक समस्याएं आपको परेशान करेगी, तो अच्छी सेहत के लिए रूटीन और खान पान बैलेंस्ड रखें। नकारात्मक विचारों से बचोगे तो विवाद को टाला जा सकता है। मित्रों नकारात्मक विचार से आपको बचकर रहना है, थकान रहेगी इस कारण काम की गति धीमी रहेगी, तो थोड़ा सा समय आपको आराम के लिए निकालने की सलाह दी जाती है। मित्रों बता देते हैं कि महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करें, जो बातें आपके जीवन के लिए मायने रखती है केवल उन्हीं बातों पर अपना ध्यान बनाए रखें, और बार बार जिन बातों की वजह से आपकी एकाग्रता भंग होती है ऐसी बातों में सुधार लाने की कोशिश करें। परिचित व्यक्ति का काम का स्वीकार करें। मित्रों बता देते हैं कि भले ही अभी ये अवसर छोटा है, लेकिन इसके जरिए आगे चलकर बड़ा मौका प्राप्त हो सकता है। मित्रों आपको जीवन में जो अवसर मिलने वाले हैं वह अवसर गैर से नहीं बल्कि किसी अपनों से ही मिलेंगे, तो आप यह सोच रहे हैं कि यह अवसर छोटे हैं इन्हें हाथ में नहीं ले, तो बता देते हैं कि ये अवसर आगे जाकर बहुत लाभ दिलवाएंगे। और मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, इन्हें शांति से हल करें, शरीर को पूरा आराम देने की कोशिश करें, और महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा समय रहते बना लें। जी हाँ परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, अपने संपर्कों को और दोस्तों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी, और निजी काम अधिक होने के कारण कुछ समय परिवार के सदस्यों के लिए भी निकालें। मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त समय बहुत बढ़िया चल रहा है, अपने गुणों का सकारात्मक प्रयोग करें। कोई विशेष कार्य करते समय प्रत्येक स्तर के बारे में आपको सोचना है मित्रों, क्योंकि कार्य बहुत विशेष है। मित्रों आपको बता देते हैं कि व्यापार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला इस समय लेना सही नहीं है, थोड़ा सा रुक जाएं, सोच विचार कर ले क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सभी बातें बहुत मायने रखती है। आइए मित्रों अब हम आपको बताते हैं चमत्कारी सिद्ध उपाय, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है, बहुत सरल उपाय है। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, शुक्रवार या रविवार को किसी भी भैरव बाबा के मंदिर में गुलाब चंदन और गुगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती जलाएं। कितनी? 33 अगरबत्ती। मित्रों बता देते हैं कि ये उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा, भैरव बाबा आपके कामों में आ रही रुकावटों को दूर कर देंगे। वहीं मित्रों एक छोटा सा उपाय यह भी है कि जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ रहा है, विवाद हो रहे हैं, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, तो उन्हें केसर मिश्रित दूध से शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि लगातार 3 महीने तक यह प्रयोग किए जाएं तो दाम्पत्य जीवन प्रेम से भर जाता है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है, किसी की नज़र आपके दाम्पत्य जीवन को नहीं लगती है, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। तो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही
लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी